खुशबू काफी सही आ रही है, अभी से ही मुझे खुशबू आने लगी है इसकी। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप देख सकते हैं यार, मैं तो एकदम फिट फाइन। आप बताइए आप कैसे हैं। और हाँ, बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी चैनल पे कि कुछ हमें नॉनवेज कवर करना है, तो उसी के लिए ख़ास तौर से मैं आ आया हूँ नोएडा सेक्टर 15 की मार्केट में। और यहाँ पे हम सेक्टर 15 का जो चौराहा है उस पर एग्जैक्टली हम, और यहाँ पे एक छोटा सा कार्ट है, ये समझ लीजिए है तो काफ़ी छोटा, लेकिन मुझे नाम बहुत पसंद आया। सबसे अच्छी बात तो आपने एक गाना सुना होगा, मोरे पिया है, गाऊंगा नहीं, आई नो आवाज़ अच्छी नहीं है, तो यही नाम है इसका, मोरा पिया, ठीक है। और यहाँ पे मिला है काफ़ी डिलीशियस नॉनवेज, तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या सर्व हो रहा है। छोटा सा मेन्यू है, लेकिन देखने में तो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है ये कि इतने छोटे से मेन्यू में इतना सारे आइटम मिल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अपीलिंग जो है ये है मोरा पिया, तो आप यहाँ पे पिया के साथ भी आ सकते हैं, विदाउट पिया भी आ सकते हैं, ठीक है, पिया वाला फील मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो चलो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वैसे बन रहा है आइटम, है ना, और एक बार यहाँ के ओनर से बात भी करेंगे और मालूम करेंगे ये कॉन्सेप्ट कैसे उनके माइंड में आया, और नाम तो मतलब कैसे सोचा यार, ये क्रिएटिविटी कैसे आ रही है, इसके बारे में चलो बात करते हैं ओनर से। सर सबसे पहले तो आप बताइए कॉन्सेप्ट क्या है, और ये जो आपने ये नाम रखा है मोरा पिया, ये कैसे आपके माइंड? मैं दरअसल नाम रखना चाहता था बहुत थोड़ा सा यूनिक हो और थोड़ा इजी टू रिमेम्बर हो, और ख़ास तौर से देसी नाम रखना चाहता था मैं। विलायती नाम तो वाले बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत आउटलेट्स हैं, लेकिन मैंने चूज़ किया एक अपना देसी नाम, इसलिए मैंने रखा जो लोगों को आसानी से याद रहे और यहाँ का टेस्ट भी याद रहे इस आउटलेट का। और यहाँ पे कितना टाइम हो गया है आपको? मैंने सुना है कि आप पहले ऑनलाइन डिलीवरी करते थे, उसके बाद अभी आपने रिसेंटली से लॉकडाउन से पहले मेरा गोस किचन था, तो बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया, तो अब ये आउटलेट शुरू किया है छोटा सा, तो 2 महीने हुए हैं करीब मुझे। और यहाँ पे कुक आप ही करते हैं सर? नहीं, मैं भी कुक करता हूँ, एक मेरा असिस्टेंट भी है वो भी करता है जी। तो मतलब मेनली आपके हाथ का टेस्ट मिलने वाला है हमें, मेरे हाथ का टेस्ट मिलने वाला है। और क्या क्या सर्व कर रहे हैं आप यहाँ पर? आपको मिलेगा गलावटी कबाब, सीख कबाब, और चिकन जो स्पेशलिटी है वो है चिकन कोरमा और चिकन तवा खास, वो सबसे ज़्यादा यूनिक है, वो पूरी दिल्ली में टेस्ट नहीं है, बल्कि इंडिया में भी नहीं मिलेगा आपको। सो गाइज, सोच के और यहाँ देख भी रहा हूँ मैं, मेरे मुंह में आ रहा है पानी, तो हम लगवाते हैं एक एक प्लेट अपना, जो भी इन्होंने मेन्यू में बताया है उस तरह से उसको टेस्ट करते हैं, और फिर मैं बताता हूँ टेस्ट कैसा है, आप बने रहो वीडियो में। पहले मैं आपको इसकी प्रिपरेशन दिखाता हूँ, और इन्होंने जो चिकन तवा खास बताया ना, वो तो कुछ ज़्यादा ही अलग दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है। तो चलो, और आपको मालूम चल गया है कि कैसे स्टार्ट करा है, एक बार यहाँ की टाइमिंग इनसे और पूछ लेते हैं। ये आउटलेट ओपन होती है 4:30 to 10:30 7 days ओपन है। गाइज, 7 दिन आप यहाँ पे आ सकते हैं 4:30 to 10:30, ठीक है, 4:30 से 10:30 तक 7 days ओपन है। और एक बार आप लोकेशन और बता दीजिए। ये आप सेक्टर 18 से आएंगे तो मैकडी के थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पर नया बास मार्केट है, उसी में है, चौराहे पे। सो जो भी नोएडा में रहता है ना और आसपास रहता है, वो तो फॉर श्योर आ जाओ यहाँ पे और टेस्ट करो। अभी मैं टेस्ट करके भी बताता हूँ कैसा टेस्ट है। चलो अब देखते हैं हमारे फूड की प्रिपरेशन। सो गाइज, ये बन रहा है अभी हमारे लिए शामी कबाब, और देख लीजिए ये हो रही है शामी कबाब की प्रिपरेशन। खुशबू काफ़ी सही आ रही है, अभी से ही मुझे खुशबू आने लगी है इसकी। तो हमने सोचा कि स्टार्टर में पहले शामी कबाब टेस्ट करा जाए इनका। ये बन रहा है हमारा अभी सीख कबाब। आप बताओ आपको सीख कबाब पसंद है कि शामी कबाब पसंद है? ये देख सकते हो आप, देखने में कितने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं ये। ये आ गए हैं हमारे शामी कबाब, जो चिकन के शामी कबाब हैं, और साथ में ये आ गए हैं हमारे सीख कबाब चिकन के। और देख रहे हो ना कितने सही फ्राई करा गया है इनको, तवे पे तवा फ्राई है, और देखने में देखो कितना सही फ्राई करा गया है इनको, है ना, एकदम गोल्डन हो गए हैं, वाह मज़ा ही आ गया। तो चलो अब इसको मैं करता हूँ टेस्ट, और इस पर निचोड़ते हैं यार थोड़ा सा हम नींबू, है ना। चलो इस पर डालते हैं हम थोड़ा सा नींबू, ये डल गया हमारा नींबू, और हम इस पर भी डालते हैं अब थोड़ा सा नींबू। ये बात, ये डला हमारा नींबू,
चलो अभी इसको टेस्ट करते हैं। तो ये लिया मैंने थोड़ा सा पीस शामी कबाब का, और बताना चाहूँगा अगर आपको खाना है ना तो उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। एक बार आप देखो कितना सही लग रहा है ना ये शामी कबाब। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल हैं विद गूगल मैप, तो आप आके यहाँ पे खा सकते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। और वाह काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, मज़ा आ गया। मैं थोड़ा सा इसको और टेस्ट करता हूँ, और इस बार भी हम लेंगे एक अपनी बड़ी बाइट। और ये बहुत सही है यार, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना हुआ है ये, मतलब तो टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और नींबू डाल के तो और ज़्यादा इनहेंस हो गया, मसाले बहुत अच्छे यूज़ करे हैं इन्होंने, और बहुत क्रिस्पी, वाकई में बहुत क्रिस्पी है। चलो इसको भी मैं ही खाऊँगा, आपको तो यहाँ आना पड़ेगा खाने के लिए। वाओ लाजवाब, मतलब ऐसे शामी कबाब अगर मिल जाए ना तो डेली मैं तो यार डिनर में यही खाऊं फॉर श्योर। चलो थोड़ा सा हम प्याज के साथ भी इसको टेस्ट करेंगे, और ये लिए हमने प्याज, और एक बार फिर से हम लेते हैं बड़ी बाइट जिसमें ग्रीन चटनी भी है इसके ऊपर और प्याज है। और लाजवाब, मज़ा आ गया। एक बार आप साइज़ देखो यार, सीख कबाब का साइज़ देखो, देख रहे हो ना कितना बड़ा सीख कबाब है। इसको चम्मच से नहीं यार, इसको देसी स्टाइल में खाएंगे हम। अरे वाह कितना सॉफ्ट है यार ये, वाह मज़ा आ गया। थोड़ा सा और टेस्ट करते हैं, और आप कमेंट करके बताओ आपको शामी कबाब पसंद है ज़्यादा या सीख कबाब ज़्यादा पसंद है, जब तक मैं इसको टेस्ट करता हूँ। और ऐसा नॉनवेज और ऐसा स्टार्टर मैं बयान नहीं कर सकता, सच में मैं बयान नहीं कर सकता, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं थोड़ा सा और टेस्ट करूँगा इसको, और हाँ आप बने रहो वीडियो में। हमारा अभी जो है ना कोरमा भी आ रहा है, कोरमे के साथ एक स्पेशल फूड और आ रहा है जो दिल्ली में और कहीं मिलता ही नहीं है। ये लग रहा है अब हमारा चिकन कोरमा, ठीक है इसको ये गर्म करके दे रहे हैं। और ये भी देखने में यार काफ़ी अच्छी क्वांटिटी भी है और क्वालिटी भी अच्छी लग रही है चिकन की। इसका प्राइस क्या है? 140 में। सो गाइस प्राइस तो बहुत ज़्यादा नॉमिनल है यहाँ पे, और टेस्ट यहाँ पे बहुत अच्छा है, और अच्छा है वाकई में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छा है, ऐसा नहीं है वाकई में टेस्ट अच्छा है। और अगर आप यहाँ पे होते ना, अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती कि टेस्ट की खुशबू पहुँच सके वीडियो के ज़रिए, तो आपको पता चल जाता कि टेस्ट वाकई में कितना अच्छा है। लेकिन कोई नहीं, आप आइए यहाँ पे और टेस्ट करिएगा, आई एम श्योर आप टेस्ट से बिल्कुल निराश नहीं होंगे। ये लग रहा है हमारा चिकन तवा खास, जैसे आप देख सकते हैं कि ये पहले से इन्होंने चिकन को फ्राई कर रखा है, अब थोड़ा सा और इसको फ्राई कर रहे हैं और हीट दे रहे हैं। तो इसके ऊपर पड़ेगी अब ये थोड़ी सी ग्रेवी, वाह। और ये वाला जो ये जो साउंड है ना पकने का, ये देखो आप, ये बहुत सही लगता है। और वाकई में मतलब ये वाला चिकन तो अभी तक मैंने नहीं खाया है, और मैं बताना चाहूँगा कैमरे पे लेंस पे थोड़ा थोड़ा सा इसका जो है भापे आ गई हैं। इसका प्राइस क्या है? 130। ओके सो गाइस सिर्फ 130 रुपये में है, और ये डल गई है इसके ऊपर हरी मिर्च जिससे और ज़्यादा ये स्पाइसी हो जाएगा। और ये थोड़ा सा और इस पर ग्रेवी डालिए, ये दही की ग्रेवी है, तेज वाला तेज मिर्च नहीं है। अच्छा हाँ हाँ मीठी मिर्च, और ये जो मिर्च है ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, मतलब इतनी तेज़ वाली नहीं है, लेकिन मतलब आपका जो मिर्च वाला जो फ्लेवर है ना वो आ जाएगा। और ये ग्रेवी इन्होंने दही की ग्रेवी डाली है, आ गया है हमारा मेन कोर्स। और मेन कोर्स के साथ यहाँ पे एक काफ़ी स्पेशल है जो मैंने आज से पहले तो दिल्ली में तो कहीं टेस्ट नहीं करा है, वो है इनका चिकन तवा खास। जी हाँ, और देखो इसमें पीस देखो, आप देख रहे हो ना काफ़ी बड़ा चिकन है यार, मतलब काफ़ी बड़ा पीस है, देख रहे हो ना कितना बड़ा पीस है चिकन का, देखो आप पीस देखो आप कितना सही है ना, लग रहा है ना काफ़ी टेम्प्टिंग।
और देखने में भी काफ़ी टेम्पटिंग है, ड्राई है। और प्राइस गैस करो आप, गैस करो कितने का होगा, इतना बड़ा चिकन का पीस सिर्फ 130 में, ठीक है ना। और साथ में हमने लगवाया है हमारा मेन कोर्स, ये है इनका चिकन का कोरमा। और इसमें भी देखो यार, पीस देखो आप चिकन के, कितने बड़े बड़े पीसेज हैं यार, मतलब 140 रुपये में इतना सही क्वांटिटी में चिकन कोरमा मिल रहा है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है ना। मतलब 140 रुपये में इतना सही क्वांटिटी का यार चिकन मिल रहा है, चिकन कोरमा, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। साथ में ये चिकन का एक पीस है और ये साथ में जो है एक और लेग पीस भी है। देखो यार चिकन काफ़ी तंदुरुस्त लग रहा है, ये क्या कहते हो आप, लग रहा है ना बॉडी बिल्डर चिकन लग रहा है ये काफ़ी। चलो इसका प्रोटीन अब हमारे अंदर जाने वाला है, हमारी भी बन जाएगी होपफुली। पहले मैं टेस्ट करता हूँ इनका जो है चिकन तवा खास, ठीक है, उसके बाद हम ये टेस्ट करेंगे इनका मेन कोर्स, ठीक है। तो और क्या कहते हो, इसको ऐसे ही खा लिया जाए क्या? क्या कहते हो, खा लूँ ऐसे ही, ले लूँ एक बड़ी बाइट? चलो फिर आप कह रहे हो तो ले लेते हैं यार, ऐसी बड़ी बाइट ले लेते हैं और क्या। इसका टेस्ट काफ़ी अलग है और टेम्पटिंग है काफ़ी, काफ़ी सही लग रहा है टेस्ट यार। इसको हम रोस्टेड चिकन नहीं बोल सकते क्योंकि इसका टेस्ट रोस्टेड से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ये तंदूरी चिकन तो नहीं है, ये तवा खास चिकन ही है। चलो मैं इसको और टेस्ट करता हूँ। वाकई में अच्छा ही है, साथ में इनकी हरी मिर्च, वाओ वाओ, ला लो आप, बहुत लजीज। इसका टेस्ट भी काफ़ी माइल्ड है, इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है लेकिन अच्छा है। उसके अंदर जो प्याज की ग्रेवी बना के इन्होंने डाला है ना, उससे टेस्ट और अच्छा आ रहा है, मतलब जैसा कोरमा होना चाहिए ना एक्चुअली में वैसा है। चलो इसको थोड़ा सा और टेस्ट करते हैं। वाह, मतलब ऐसा खाना तो यार डेली मिलना चाहिए। और भी कोई है तो इन्वाइट करो यार मुझे, अगर ऐसा ही खाना आप सर्व कर दें मैं ज़रूर आऊँगा। तो चलिए मैं इसको फिनिश करता हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ जिनको ख़ास तौर से नॉन वेज फूड पसंद है और चिकन पसंद है, ठीक है। और ख़ास तौर से नोएडा वालों के साथ तो शेयर कर दो। आप कमेंट करके बताओ कि आप यहाँ कब आ रहे हो और आपको किस टाइप का चिकन पसंद है और इसमें से आप कौन सा फूड ऑर्डर करने वाले हो। प्राइस की डिटेल आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ पे भी लिखा हुआ आ ही रहा है और काफ़ी नॉमिनल प्राइस है, ठीक है। मैं मिलूँगा आपको जल्दी ही एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे फिट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको फिनिश, बाय बाय।